टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो सेम होते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन। जो उनका प्रिंसिपल बेसिकली, जो चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी का प्रिंसिपल हो फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी का हो या हाइड्रो पावर का हो, सब में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक ही प्रिंसिपल है कि टरबाइन को जो है मैकेनिकल एनर्जी जो वहाँ से कन्वर्ट होती है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे हाइड्रो पावर में पोटेंशियल एनर्जी होती है या इसमें थर्मल पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय टरबाइन, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी बाय जनरेटर्स। तो सब में प्रिंसिपल सेम ही है कि टर्बाइन को रन करना है, और टर्बाइन रन करने के लिए डिफरेंट जो है जरिए है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने जो डिस्कस किया था उसमें स्टीम जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल, जो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 यूज़ करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ हीट। जो उसमें हीट रिएक्टर में जनरेट होती है उसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस होती है, हाई प्रेशर हाई सैचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्टर्स से फिर टर्बाइन को रन करते हैं। बट यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स में हम अदर काइंड्स ऑफ फ्यूल्स यूज करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट्स में यूजुअली जो है कोल यूज किया जाता है, या ऑयल यूज किया जाता है, गैस यूज किया जाता है, डीजल यूज किया जाता है। तो जैसे नॉर्मली जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जो अंडर द नेशनल थर्मल जो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है कॉरपोरेशन, जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में अंडर द पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट के अंडर, तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी दे आर जनरेटिंग फ्रॉम द कोल मोस्टली। तो ये भी डिपेंड करता है कि कोल की जो है अवेलेबिलिटी कितनी होगी, तो उसके बेस पे भी जो है मतलब फ्यूल की अवेलेबिलिटी कैसी होगी, रॉ मटेरियल कितना, कौन सा सस्ता होगा बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द थर्मल पावर प्लांट और बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो उसके बेसिस पे जो है ये लगाए जाते थे। ये जब कश्मीर में भी तकरीबन 10 साल पहले भी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो थी पॉसिटी थी डिफिशेंसी थी, तो विंटर्स में यहाँ पे भी गैस से एक टरबाइन चलाया जाता था, जो पामपोर में एक कुछ छोटे से जो है पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, गैस टरबाइन का बोलते थे उसको। तो उसमें जो है जो एलपीजी यूज होता था, तो वैसे ही जो है बर्नर में या स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है को जो है फ्यूल्स यूज करते हैं, चाहे वो कोल है, ऑयल है, गैस है, डीजल है। तो मोस्टली इंडिया में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तकरीबन तकरीबन 2019 का डेटा जो है, देर आर अराउंड 269 थर्मल पावर प्लांट्स। तो उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स यूज होते हैं, इंजन्स वगैरह यूज होते हैं। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द थर्मल पावर प्लांट और जियो थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टोटली डिपेंड है इन काइंड्स ऑफ जो हमारे पास फ्यूल है, जो कन्वेंशनल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, उस पर टोटली ये डिपेंडेंट है। अब जो थर्मल पावर प्लांट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जो कोल से गैस से, वो एनर्जी जो है हीट जो कम्बशन होती है, फॉर एग्जांपल जो कोल बर्न होता है वहाँ से जो हीट निकलती है वो हीट हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्टीम। तो वो जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसको हाई प्रेशर से मींस कि वो हम इंश्योर करते हैं जितना भी स्टीम प्रोड्यूस होता है वो पूरी वेपर फॉर्म में हो, उसमें कोई भी जैसे लिक्विड फॉर्म में जो है कोई भी वाटर अवेलेबल ना हो, बिकॉज दैट डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो वो जो हीट होती है कोल में, गैस में या डीजल में, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। और जो वाटर वेपर होते हैं इन जो प्रेशर चैम्बर होता है पाइप्स वगैरह से के द्वारा, वो टर्बाइन पे जो है फोर्स किए जाते हैं, एनफोर्स किया जाता है, वो टर्बाइन रन करता है, देन दैट हीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे चार स्टेजेस है। फर्स्ट
जो आपका फॉसिल फ्यूल है उसमें जो हीट होती है, उसमें एनर्जी होती है, दैट इज काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब तक हम उसको नहीं जलाएंगे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी जब हम उसको कम्बशन करते हैं, दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट, एंड दैट हीट इज ट्रांसफॉर्म्ड। तो जो स्टीम होती है तो उसमें भी हीट ही होती है। मीन्स कि जब भी हम किसी लिक्विड को हीटअप करते हैं दैट लिक्विड एक्सपैंड्स, सेम हैपन्स विद द वाटर, तो वो एक्सपैंड होता है। अब वाटर क्यों हम यहाँ पे यूज करते हैं मोस्टली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम? हम कोई और भी गैस यूज कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल जो अमोनिया वगैरह यूज होता है इन ओशन एनर्जी थर्मल कन्वर्शन जो हमने पढ़ा था। तो बेसिकली वहाँ पे जो है ओशन एनर्जी थर्मल कन्वर्शन में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होती है, तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो उस टेम्परेचर वेरिएशन पे जो है वो सब हम लिक्विड्स यूज करते हैं जो इजीली इवोपरेट हो जाते हैं। बट यहाँ पे हमें एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी देखना होता है कि वाटर जो है इजीली अवेलेबल है इन थर्मल पावर प्लांट्स, जो नियर बाय जो स्ट्रीम्स होंगी, या ग्राउंड वाटर तो यूज़ नहीं होता है, बट मोस्टली जो रिवर वाटर यूज़ होता है उसमें। तो ग्राउंड वाटर की वजह से जो है उसमें मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह जो हार्ड एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम, तो वो जो बॉयलर होता है उसके अंदर जो है एक लेयर चढ़ जाती है उनकी, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, जो इफिशेंसी है डिक्रीज हो जाती है स्टीम प्रोड्यूस होने में एंड हीट ट्रांसफॉर्म होने में। तो जनरली जो है रिवर वाटर जिसमें मिनरल कंटेंट जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम कम होता है वो यूज़ होता है। तो जिस हीट इज कन्वर्टेड जो है फ्रॉम द कोल और ऑयल जो है कन्वर्ट होती है इनटू द स्टीम, एंड देन स्टीम जो होती है एक हीट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जब टरबाइन चलता है दैट मैकेनिकल एनर्जी जो एक शाफ्ट होता है जनरेटर के साथ में, मैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल है उसका, कैसे एक मैग्नेट को या कॉयल को घुमाया जाता है इन बिटवीन द मैग्नेट, देन वो ब्रेक करता है मैग्नेटिक फील्ड, देन इट क्रिएट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्रोड्यूस करता है, दैट मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर उसको कैसे वो नॉर्मलाइज करते हैं, वोल्टेजेस वगैरह करते हैं, देन स्टेबलाइज करते हैं पर्टिकुलर जो 3 फेजेस निकालते हैं, तो वो एक अदर एस्पेक्ट है कैसे हम वहाँ से जो है हाई वोल्टेज के जरिए दूर दूर लोग तक जो है पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने कभी गौर किया है कि जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या हाइड्रो पावर प्लांट हो, तो वो हमेशा हाई वोल्टेज पे मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 33,000 का जो वोल्टेज आता है वहाँ से ग्रिड में, ग्रिड से निकलता है 11,000 वोल्टेज, फिर वहाँ से लोकल एरिया में चला जाता है ट्रांसफार्म में 11,000, वो फिर हमें 250 240 के आसपास वोल्टेज मिलता है। तो पहले हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ताकि ये जो है ट्रांसमिशन जो होती है इलेक्ट्रिसिटी का दूर दराज इलाकों में हो जाए। तो हम हाई वोल्टेज पे इसलिए एनर्जी को जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करता है, बिकॉज हाई वोल्टेज पे जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होता है। तो दो हाई करंट से भी हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र, एंड हाई वोल्टेज से भी कर सकते हैं, बट हाई करंट में जो है ट्रांसफ़र लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हीट लॉसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज। हाई वोल्टेज डिफरेंस होती है वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे जब ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी। तो ये थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड है क्यों हम हाई वोल्टेज त्रेत्रसा, तो हमें क्यों ये ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ते हैं, हम क्यों नहीं डायरेक्टली वहाँ से आता है 240? तो यही इसका बैकग्राउंड है, हीट लॉस। जो हीट, एक तो हीट लॉस होता है, दूसरा जो मेटल्स में रेजिस्टेंस होती है उससे जो है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। तो अगर हाई करंट पे हम करेंगे तो ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। तो उसके अलावा थर्मल पावर प्लांट को लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पे लगाया जाएगा, व्हाट विल बी द लोकेशन
तो इसके लिए एक साइट सिलेक्शन है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लगाना चाहेंगे कश्मीर में थर्मल पावर प्लांट फॉर एग्जांपल, तो अगर आप पिछली क्लास को गौर से अगर आपने याद किया होगा, यहाँ पे कोल की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे एंथ्रासाइट जो हाईली जो है प्योर प्योरिटी जो उसकी कोल की है, मोर देन 90% उसमें कार्बन कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है। बिकॉज यहाँ पे अब वो नहीं हो रहा है, मतलब माइनिंग नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ ग्रीन बेल्ट, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है उतना, बिकॉज जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक जोन 5 में आता है, तो यहाँ पे उस टाइप की माइनिंग वगैरह करना बहुत रिस्की है। तो यहाँ पे कोल अवेलेबिलिटी है, बट जो भी हम अभी कमर्शियल लेवल पे, चाहे हम ब्रिकलिन्स में यूज़ करते हैं कोल या और भी अदर जो ऑफिसेज वगैरह में यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग पर्पस या कुकिंग पर्पस, दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ पे एज सच कोई माइनिंग नहीं होती है, बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, कर सकते हैं माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट को पहले ही लगाने के लिए हमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कोल अवेलेबल है, या अगर हमें कोल पे नहीं चलाना है, ऑयल अवेलेबिलिटी है, डीजल है, गैस है, जो भी जो फ्यूल है, पहले उसकी अवेलेबिलिटी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरी जगह से जो है फ्यूल मंगवाना पड़ेगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होंगे एंड देन एट द एंड जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो साइट सिलेक्शन इसलिए किया जाता है कि पूरा जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उसके अलावा अगर कोल यूज़ होता है देन उस कोल को बर्न होने के बाद उसमें ऐश प्रोड्यूस होता है, सूर्च होना, तो वो ऐश को डिस्पोज ऑफ करना है। तो अगर हम ऑयल बर्न करते हैं तो उसमें कोई एज सच सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, या डीजल या गैस उसमें ऐसे, बट अगर हम कोल यूज़ करते हैं तो उस कोल को डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने हैं उसको, उसको उसके पहले बारे में पहले ही सोचना है। फिर नेचर ऑफ लैंड, लैंड कैसा है, प्लेन है, सबमर्जिड तो नहीं है, उसके लिए एक प्रॉपर सिलेक्शन है। तो उसमें जो है सबमर्जिड भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कल को वहाँ पे फ्लड्स आ जाएंगे तो वो पूरा जो है पावर प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो यूजुअली तो उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे अर्थक्वेक्स भी कम होंगे, वहाँ पे फ्लड ऑकरेंस भी, जो नेचुरल हैजार्ड्स है, नेचुरल हैजार्ड्स में लैंडस्लाइड्स होती है, फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, वॉल्केनो होता है, सुनामी होती है, तो इस सब के काइंड ऑफ हैजार्ड्स मतलब एट मिनिमम लेवल पे हो। देन लोकेशन फॉर लोड सेंटर, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं ये पहली तीन चीज़ें हमें अवेलेबल है बट हमें जिनको इलेक्ट्रिसिटी देनी है वो है ही नहीं वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉपुलेशन है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल अंडमान में हमने पावर प्लांट बनाया बट वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, हम किसको दे वो इलेक्ट्रिसिटी, किसको बेचे वो इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें आइडेंटिफाई करनी है वो जगह जिसको हम बेच सके, जहाँ पे लोड हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या कमर्शियल सेटअप्स हो या डोमेस्टिक। एट एंड जो कंज्यूमर होना चाहिए अवेलेबल। तो उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी, अब जितना भी ये प्रोसेस है फॉर स्टीम जनरेशन, तो उस स्टीम को जनरेट करने के लिए तो कोल तो चलो देखा उसने उसकी अवेलेबिलिटी है, बट उसके लिए तो वाटर अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, बिकॉज स्टीम जनरेट करने के लिए तो वाटर अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट शुड बी नियर बाई, जो उसमें चाहे वो वाटर कैनाल हो या कोई भी स्ट्रीम हो या रिवर हो, लेक हो, तो वो अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे ओशन वाटर नहीं चलेगा बिकॉज ओशन वाटर इज़ वेरी साल्टी, तो अगर हम उसको इवॉपरेट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो उसका जो साल्ट जो होगा वो चिपक जाएगा अंदर बॉयलर की लेयर्स पे, तो उसकी जो है एक तो वाटर कंटेंट उसमें वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन जो हीटअप जिस एफिशिएंसी से होता है वाटर वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको फिर अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो उसको क्लीन करना पड़ता है। ये छोटा बॉयलर नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर स्टाफ, फॉर जो अदर इसमें मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। देन अवेलेबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स, लेबर जिसको बोलते हैं,
इसमें इंजीनियर्स भी चाहिए, इसमें जो डेली वेजर्स भी चाहिए, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स वगैरह चाहिए, तो इनकी अवेलेबिलिटी भी देखी जाती है। तो अक्सर जो भी इंजीनियर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए जॉब अच्छे से मिल जाएगा फॉर इन NTPC, जो एक डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो उसमें जो है अवेलेबिलिटी, अभी तो पैन इंडिया है, कोई भी मतलब उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एडवर्टाइज़ करता है कोई भी पोस्ट अपनी वेबसाइट पे, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, और कहीं पे भी होगा इंडिया में, वो वहाँ पे जाके जॉब कर सकता है। तो मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बिकॉज आजकल के ज़माने में जिसको दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है, बिकॉज वी आर वेल कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, थ्रू रोड्स, एविएशन ट्रांसपोर्ट, जो भी है रेल्स वगैरह, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी बाहर से बहुत सारे आते हैं काम करने के लोग, लेबर का उतना इशू नहीं है। बट मेन इशू है कोल, जो फ्यूल, उसकी अवेलेबिलिटी, देन जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड वन इज जो लोड है, जिनको इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी। तो ये जो पैरामीटर्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी हद तक। अब एक टिपिकल काइंड ऑफ जो थर्मल पावर प्लांट है, अब इस जो पिक्चर है, इसको हम और भी बहुत सारे पिक्चर्स के जो जरिए देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या। तो कोई भी पहला पैरामीटर है कि अगर जैसे ये थर्मल पावर प्लांट है ये वाला, तो यहाँ से हमें मिलता है कोल, फ्यूल जो भी है माइनिंग के जरिए मिलता है, तो उसको फिर कन्वेयर बेल्ट होता है जो उसको एक डिजायर्ड साइज में ब्रेक डाउन करता है, श्रेडर जिसको बोलते हैं, या पल्वराइजर बोलते हैं उसको, मतलब बड़े बड़े जो कोल के ब्लॉक्स होते हैं उसको ब्रेक करता है इन डिजायर्ड साइज, जो इसको स्टीमर में चाहिए, बॉयलर में चाहिए, एंड देन यहाँ पे ये बर्न होता है, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट होता है, जैसे आपने एस्केलेटर देखा हो कहीं पे, तो ये चलता रहता है, या स्टोन क्रशर होता है, वहाँ पे भी एक बेल्ट होता है जिसपे वो घूमता है, जो जो क्रशर नीचे आता है, पत्थर जो तोड़ते हैं, एंड देन फिर ये कोल जो है यहाँ पे फर्नेस में जाता है, फर्नेस मीन्स बेसिकली बर्नर, जहाँ पे कोल जलता है। तो उस फर्नेस में हमने पाइप्स रखी होती है इन जिगजैग, जिसमें वाटर होता है, और यहाँ से जो एग्जॉस्ट जो गैसेस निकलती है कोल बर्न होने के बाद, चाहे वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, पार्टिकुलेट मैटर हो, तो मोर इम्पॉर्टेंट गैस जो हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कोल से बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ये चिमनी होती है, साइज इसका तकरीबन 100 मीटर के आसपास होता है, डिज़ायर्ड जो भी स्टैंडर्ड होगा कि क्या हाइट होगी चिमनी की, तो वहाँ से फिर जो एग्जॉस्ट निकलता है, गैस निकलती है, तो जिन इसकी हाइट ज़्यादा होगी उतना अच्छा है, बिकॉज जो नियर बाई लोकेशंस होंगे उसमें वो सेटल डाउन नहीं होगा, वो दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाएगा। तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स है कि ये कैसे डिस्पर्स हो जाता है। तो देन जो इसमें हम वाटर लाते हैं, चाहे रिवर बेड से लाते हैं या स्ट्रीम से लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं कोल्ड वाटर, तो उसको थोड़ा सा फिल्टर वगैरह करते हैं, चाहे रेत वगैरह मिट्टी वगैरह निकालते हैं बाहर, देन वी पंप दिस वाटर इन दीज पाइप्स जो फर्नेस के अंदर या बर्नर के अंदर जो है होती है जिगजैग मोशन में। तब जिगजैग इसलिए रखते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना जल्दी हीट होगा, अगर हम खाली एक पाइप रखेंगे तो उतना जल्दी हीट अप नहीं होगा। तो जो है यहाँ पे फिर स्टीम प्रोड्यूस होती है, एंड देन स्टीम को हम जो है टरबाइन पे छोड़ते हैं, और टरबाइन जो होता है ये इसमें ब्लेड्स होते हैं, तो हम वो भी देखेंगे इन ब्रीफ, हम दो टाइप्स ऑफ जो इसमें ब्लेड्स होते हैं, तो फिर ये शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, ये जनरेटर है, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये स्टीम है, इसको फिर से कंडेंस किया जाता है, इसमें भी कुछ कुछ अपैरेटस और है कि कैसे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज की जाए। तो ये इन ब्रीफ है कि एक थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। तो अगर आप याद करोगे, जो हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा था, उसमें यही डिफरेंस थी, उसमें ये सब सेटअप नहीं था। तो यहाँ पे
वहाँ पे एक रिएक्टर था जिसमें फ्यूल थे, कंट्रोलिंग रॉड्स थे, एक मॉड्यूलेटर था जिसमें भी फिर स्टीम प्रोड्यूस होती थी। तो उसके बाद एक तो ये अब एक फ्लो डायग्राम में मैं बता रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप एक फ्लो डायग्राम की सूरत में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आप इसको डिस्कस कर सकते हो। फ्यूल में जो केमिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू द थर्मल एनर्जी, इसको हीट एनर्जी बोलते हैं। दैट हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी जो मैंने अभी डिस्कस किया था पहली स्लाइड में जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। अब एक और जो डायग्राम है और थोड़ा सा इलाबरेटिव काइंड ऑफ डायग्राम है, इसमें इसमें कोल लाया जाता है हॉपर में। हॉपर एक श्वसन सुषुप्त प्रक्षिप्त होना शुभ श्वसन, बट उसमें पूरा वो बंद होता है साइड में, ऊपर से ब्रॉड होता है नीचे से चौड़ा होता है। तो फिर ये हॉपर से जो भी इसमें कन्वेयर बेल्ट होगा क्या होगा वहाँ से डाला जाता है पल्वराइजर, जो उसको ब्रेक डाउन करता है डिजायर्ड उसमें। तो वहाँ से फिर कन्वेयर बेल्ट से ओर जाता है बर्नर में, तो यहाँ पे जलता है। तो यहाँ पे जलने के बाद जो भी एशेस वगैरह है, ऐश जो सूर श्वसन वो यहाँ से बाहर निकलता है, तो उसको फिर दूसरा कन्वेयर बेल्ट जो है अपैरेटस लगे होते हैं वो उसको कहीं और ले जाता है डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे हम पंप करते हैं वाटर, कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे चला जाता है बॉयलर में, फिर स्टीम प्रोड्यूस होती है, और स्टीम को हम जो है यहाँ से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। स्टीम को हम फिर क्या करते हैं, टरबाइन पे छोड़ते हैं, टरबाइन ऑन करता है। बट यहाँ पे कुछ कुछ गैसेस जो निकलती है बर्न होने के बाद, ऐश तो नीचे से निकलेगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा, कुछ पार्टिकुलेट मैटर होते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड जो जो अदर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होते हैं, तो वो स्टेक होता है जिसको हम ऊपर चुमनी जिसको बोलते हैं, वहाँ से बाहर निकलता है यहाँ से। तो उसके बाद जो टरबाइन पे जब हम छोड़ते हैं, तो एक बार जब स्टीम इस पे आ जाएगी तो उस स्टीम को फिर से हमें कन्वर्ट करना है वाटर में, ताकि हमें कंटिन्यूस जो वाटर कंजप्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फिर तो हमें बहुत पानी इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो हम ये स्टीम को ही, क्योंकि ये यहाँ से हाई प्रेशर से आती है, तो हम इसको वापस वो स्टीम को फिर से नहीं छोड़ सकते बिकॉज उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया होता है और थोड़ा सा कंडेंस भी हो गया होता है। इसमें सैचुरेटेड स्टीम होती है, सैचुरेटेड मीन्स जितना भी वाटर है वो वेपर कंडीशन में है, कोई भी ऐसा ड्रॉपलेट नहीं है उसमें, हवा में सस्पेंडेड नहीं है, पूरा इन द फॉर्म ऑफ जो है वेपर्स है। तो यहाँ से फिर जो है कंडेंसर होता है, कंडेंसर जो है इसको वो वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसको कूलिंग टावर्स भी उसके लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली वाटर को इसमें इन टावर्स में सर्कुलेट किया जाता है ऐसे ऐसे गोल करके, तो उसमें सरफेस एरिया बेसिकली बढ़ जाता है, तो वो कूल डाउन होता है फिर से यूज़ होता है इस सर्किट में। तो यहाँ पे जितना भी हमें एक्स्ट्रा वाटर चाहिए तो हम यहाँ पे रिवर स्ट्रीम से लेते हैं, और जो ये साइकिल में चलता है तो पानी वो भी ऐड होता है। तो आप ये देख सकते हो, जैसे हमने पिछली क्लास में भी एक चाहे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन में एक साइकिल पढ़ा था, रेकन साइकिल, बेसिकली जो स्टीम प्रोड्यूस होती है फिर से उसको कंडेंस करना है, देन कंडेंस होके फिर से उसको स्टीम में जनरेट करना है। तो उसमें हमने ओपन क्लोज एंड हाइब्रिड सिस्टम में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा। तो बेसिकली ये उसी के प्रिंसिपल पे चलता है। देन यहाँ पे आपको पता ही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स क्या होता है, बेसिकली वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए। आपके घर में जो भी छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम पॉइंट्स इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो वो स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों है। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आप एक पॉइंट दो पॉइंट कम करते हैं तो आपका वोल्टेज कम होता है, अगर वोल्टेज कम होता है तो यू स्टेप अप तो वो वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो वही यहाँ पे जो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, उसका जो है वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है और ट्रांसमिशन लाइन में छोड़ा जाता है फॉर जो है लोड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे भेजा जाता था थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स एट हाई वोल्टेज। तो अब थर्मल पावर प्लांट्स में मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, इकोनोमाइजर होता है, चिमनी होती है, ऐश हैंडलिंग होता है, कुछ कुछ इसमें मेन जो पार्ट्स है वो डिस्कस करेंगे।
अल्टरनेटर होता है, सुपर हीटर होता है, कंडेंसर होता है, एयर प्री हीटर होता है, कोल हैंडलिंग प्लांट होता है, ये जो थर्मल पावर प्लांट इतना ही नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारे अपेरेट, ये तो मेन अपेरेट्स जो सेटअप है इसमें क्या क्या होता है, कूलिंग टावर्स होते हैं, तो जैसे ये एक मेजर पार्ट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ सीरियल नंबर 1 ये वाला, दिस इज कूलिंग टावर, देन दिस इज कूलिंग टावर में हम जो गर्म पानी होता है स्टीम जो होती है वो उसको मैं डालते ताकि उसका जो है वो कंडेंस हो जाएगा। सीरियल नंबर 2, 3 इज ट्रांसमिशन लाइन जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम छोड़ते हैं। 4 इज ट्रांसफार्मर, बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड जनरेटर इज 5, एलपी टरबाइन इज लो प्रेशर टरबाइन, एंड बेसिकली जो कम स्टीम पे भी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो स्टीम प्रोड्यूस होती है कंडेंस होके उसमें कुछ वाटर वेपर हो उस स्टीम से भी हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स जो टरबाइन लो प्रेशर पे भी चलेगा। ये जो डायरेक्टली जो स्टीम आती है यहाँ से फर्नेस से जो आती है उसको हाई प्रेशर स्टीम बोलते हैं, तो जो है उससे पावर जनरेशन ज़्यादा होती है और जो है टरबाइन भी हाई प्रेशर स्टीम से ही चलता है, तो ये उसको फिर से यूटिलाइज करने के लिए लो प्रेशर टरबाइन यूज़ करते हैं। तो इसमें ये भी बहुत सारे मैंने अभी आपको बताया है कि क्या क्या अपैरेटस है, जैसे 12 नंबर पे आपका डिएरिएटर है, इसमें जब पानी लाते हैं उसमें हवा नहीं होनी चाहिए तो उसमें हवा निकालते हैं बाहर। ये हॉपर है, कैसे हम इस हॉपर में जो है कोल डालते हैं कन्वेयर बेल्ट से, फिर इसमें चला जाता है पल्वराइजर में, पल्वराइजर से फिर इसमें जाता है बर्नर में, यहाँ पे जो है स्टीम प्रोड्यूस होती है, फिर स्टीम को कैसे जो है टरबाइन में चला छोड़ा जाता है, यहाँ से आती है ये, तो फिर उसको फिर जो है फ्यूम्स जो यहाँ से निकलती है तो उसको जो चुमनी वगैरह से बाहर निकाला जाता है। तो इन जनरल ये थोड़ा सा डिटेल्ड है एक थर्मल पावर प्लांट्स में किन किन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब बॉयलर जो होता है इसके दो पर्पस होते हैं, टू प्रोड्यूस स्टीम अंडर प्रेशर, यही कि मतलब स्टीम को हाई प्रेशर में प्रोड्यूस करना, सैचुरेटेड स्टीम वेपर फॉर्म में। तो इसके भी दो टाइप्स है, फायर ट्यूब बॉयलर, हॉट गैस ऑफ कम्बशन आर इनसाइड द ट्यूब्स एंड ट्यूब्स आर सराउंडेड बाई वाटर। इसमें क्या होता है, एक बॉयलर होता है इसमें जो ट्यूब्स होते हैं, तो ट्यूब्स में गर्म जो हवा प्रोड्यूस होती है या हीट प्रोड्यूस होती है इन बर्नर, उसको जो है पानी में छोड़ा जाता है, मतलब पानी में वो होता है उसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है और उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो उसका रिवर्स अगर आप देखेंगे दैट इज़ वाटर ट्यूब बॉयलर, उसमें क्या होता है ट्यूब्स में पानी होता है और वो सराउंड होता है बाय, तो मैं कह रहा था जो फायर ट्यूब बॉयलर है इसमें पानी होता है बाहर और उसमें जो ट्यूब्स होते हैं वो हॉट गैसेस होता है उसमें, उससे जो है स्टीम प्रोड्यूस होती है, बट उसका रिवर्स अगर हम देखेंगे ट्यूब्स में पानी होता है एंड दैट इज सराउंडेड बाय द हॉट गैसेस, फर्नेस में जो हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये दो टाइप्स है, ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर हमें जो यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस करनी है देन वी गो फॉर द फायर ट्यूब बॉयलर, एंड अगर हमें कम स्टीम चाहिए मीन्स लेस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए देन वी गो, तो नॉर्मली डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड देन सुपर हीटर क्या क्या काम होता है, डिवाइस यूज टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर, जो मतलब बेसिकली जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर मीन्स कि लिक्विड फॉर्म में उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, तो इस सुपर हीटर का क्या काम होता है, उसको ओवर हीटअप करता है, हाई ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, एंड देन वो जितना भी वेपर लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं हवा में, जैसे आपने कहीं विंटर्स में देखा होगा दुन फॉग जिसको बोलते हैं, उसमें वाटर वेपर्स वाटर वेपर फॉर्म में नहीं होता है, जो वाटर उसमें वो कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, बस सस्पेंडेड होता है, वैसे ही सस्पेंडेड नहीं होने चाहिए वाटर, तो पूरा उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सुपर हीटर होता है। और ये जो है ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर अबो सेचुरेशन ऑफ टेम्परेचर, जो सेचुरेशन टेम्परेचर जिसपे लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू वाटर उससे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, सुपर हीटर का ये काम होता है। देन इकोनोमाइजर क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आउट गोइंग फ्लू गैसेस यूज टू रेज टेम्परेचर ऑफ फीड,
जो फ्लू गैसेस बाहर जाती है, फ्लू गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसमें भी हीट होती है। उस हीट को कैप्चर करने के लिए, ताकि जो बर्नर है उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, और जो कंडेंसर है उससे भी जो हीट प्रोड्यूस होती है, इकोनॉमाइजर है जो हीट जो है एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम कंडेंसर, बिकॉज कंडेंसर बेसिकली यूज होता है फॉर जो स्टीम जनरेट होती है उसको कन्वर्ट करना है इनटू द लिक्विड फॉर्म। तो वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको भी यूज़ किया जाता है लेटर ऑन जो फर्नेस है उसमें भी स्टीम जनरेट करने के लिए। तो इससे ओवरऑल जो बॉयलर है या फर्नेस है उसकी इफिशेंसी इंक्रीज होती है बाई 10 to 12%। तो हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है तकरीबन 5 to 15% सेव हो जाता है। तो इससे जो है एफिशिएंसी ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का जो जो है एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, एंड ओवरऑल जो हमारा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा एयर प्री हीटर होता है, इज़ यूज टू रिकवर हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस। तो जो इकोनोमाइजर का भी कुछ लिमिटेशंस होती है, वो कितना हीट उससे एक्सट्रैक्ट करता है, बट एयर प्री हीटर जो होता है वो इन एडिशन जो फ्लू गैसेस से हीट होती है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है उस एक्स्ट्रा हीट को। तो ये भी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है बाय 1%, जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है इससे अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, जो हम यूज़ करते हैं मतलब फर्नेस एंड बॉयलर्स में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको इंक्रीज करता है बाय 20 डिग्री सेल्सियस। यूजुअली तो वहाँ पे हीट जो होती है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके अलावा द इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे जो रेजिड्यू सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दैट कोल जनरेशन, दैट इज़ द एश। कोल हम बर्न करते हैं, वहाँ से एश निकलता है। तो वहाँ उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? पहले कोल डिलीवरी मतलब कोल लाने के लिए हम ट्रक्स वगैरह यूज़ करते हैं या रेल्स वगैरह यूज़ करते हैं या बड़े जो होते हैं वैगन्स वगैरह यूज़ करते हैं। फिर उसको स्टोर करना, उसको कहीं पे ऐसा स्टोर करना है कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, वो मतलब उसको जो है मॉइस्चर वगैरह भी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर कोल में मॉइस्चर आ जाएगा देन इट विल टेक टाइम टू बर्न। देन क्रशर, क्रशर उसका जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। देन मैग्नेटिक सेपरेटर, उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती है मैग्नेटिक सेपरेटर की वजह से वो निकालता है, कहीं पत्थर वगैरह होता है या कोई और एलिमेंट होता है उसमें वो निकालता है। तो पर्वलाइजर होता है, डिवाइस ट्रांसफॉर्म कोल इनटू द फाइन पाउडर, ब्रेक डाउन करता है इन डिजायर्ड साइज जो होता है, जो बेसिकली बर्नर में हाईली एफिशिएंटली जल सकता है। तो उसको उसके लिए ऐश पिट उसके बाद होता है। ऐश पिट जो फ्यूल गेट बर्न, वहाँ पे ऐश को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको क्वेंच किया जाता है। क्वेंच मीन्स वो जो हॉट होता है उसमें उसकी जो हीट बाहर निकाली जाती है, डस्ट वगैरह उसमें बेसिकली क्वेंचिंग होती है बाय वाटर स्प्रेइंग वगैरह से, वाटर स्प्रे किया जाता है, तो वहाँ से भी जो उसकी हीट डिक्रीज हो जाती है। देन उसको फिर कन्वीयर्स जो बेल्ट होते हैं, जो कन्वीयर बेल्ट्स होते हैं, उससे उसको चाहे वो ट्रक्स वगैरह में कहीं वो डिजायर्ड लोकेशन पे ले जाएंगे या कहीं डंपिंग जो भी साइट है वहाँ पे ले जाया जाता है। तो ये पूरा सेटअप है फ्यूल को कैसे हैंडल किया जाता है एंड ऐश को कैसे हैंडल किया जाता है। उसके बाद दो टाइप्स ऑफ टर्बाइन्स, बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने होंगे। तो अगर इम्पल्स टर्बाइन है उसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ ब्लेड्स लगाया जाता है, जिसमें बेसिकली जो स्टीम इस पे छोड़ी जाती है तो इससे टरबाइन रन होता है। तो अगर इसको हम इम्पल्स टाइप ऑफ टरबाइन कहते हैं, और रिएक्शन टरबाइन में दो ब्लेड्स होते हैं। तो इसमें ब्लेड्स नहीं होते, छोटी पाइप्स होती है, तो वो पाइप से स्टीम बाहर निकलती है, नहीं स्टीम बाहर नहीं निकलती, स्टीम छोड़ी जाती है यहाँ पे, देन इस पे ये दो ब्लेड से टर्बाइन रन होता है। अब अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, नॉर्मली इंडिया में 20 जो हर्ट्स है, तो बाहर जो कंट्रीज है वहाँ पे 60 हर्ट्स है। तो वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है बाय नंबर ऑफ ब्लेड्स जो यूज़ होते हैं टर्बाइन में, उससे डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, नंबर ऑफ ब्लेड्स जो बेसिकली। तो यहाँ पे तो छोटा है बट ये बहुत ही बड़े ब्लेड्स होते हैं।
तो उसके बाद कूलिंग टावर्स का क्या काम होता है, जो इस जैसे होता है कूलिंग टावर्स बड़े बड़े, तो ये क्या करता है, थर्मल पोल्यूशन जो है रिड्यूस करता है। जो इसे थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, जो भी वाटर गर्म पानी जो निकलता है यहाँ से थर्मल पावर प्लांट से, हम हो सकता है उसको डायरेक्टली जो रिसीविंग वाटर बॉडीज होती है, चाहे स्ट्रीम्स हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, उसमें छोड़ा जाता है। उससे यह होता है टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है, वो जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो कूलिंग टावर्स का जो है काम थर्मल पोल्यूशन को रिड्यूस करना, तो उसके अलावा जो है वाटर को कंडेंस करना एक क्लोज्ड सिस्टम में, कंडेंस होकर रैकाइन साइकिल जिसको, रैकिन साइकिल जिसको बोलते हैं, क्लोज सिस्टम में जो वेपर होएगा उसको कंडेंस करना, जब उस लिक्विड को फिर से यूज़ करना है फॉर द स्टीम जनरेशन। तो वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, जो दो टाइप्स ऑफ टावर्स है। अब उसमें अंदर से अगर एक सर्किट होगा पानी का, ठंडे पानी का, उससे भी कूल डाउन कर सकता है एग्जिस्टिंग वाटर को, स्टीम को, या उसमें हवा भी जो है सर्कुलेट होती है ठंडी हवा, उससे भी ठंडा हो जाता है पानी। यूज़ इन ईदर नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट, इसके टाइप्स है। मैकेनिकल ड्राफ्ट, नेचुरल ड्राफ्ट यूज़ बायोस, लार्ज स्पेस, हाई कॉस्ट, बड़े मतलब एरिया पे लगाया जाता है। इसका जो है साइज़ बहुत बड़ा होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी कम होती है। मैकेनिकल ड्राफ्ट यूज़ फैन वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें साइज़ कम चाहिए, एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। फिर इसमें भी जो है कुछ टाइप्स है, जैसे फोर्स ड्राफ्ट टावर, इसमें ब्लोवर फैन वगैरह यूज़ करते हैं, बेस पे छोटे नीचे लगाया जाता है तो हॉट एयर को बाहर छोड़ता है पानी को ठंडा करने के लिए। देन इंड्यूस ड्राफ्ट फैन इज लोकेटेड एट द टॉप, टॉप पे लगाया जाता है तो वो गर्म हवा को बाहर, जो बेसिकली एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है। तो ये कूलिंग टावर का ये था। उसके अलावा अब इसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। इसके एडवांटेजेस है, इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है कोल, पेट्रोल, ऑयल, गैस जो भी यूज़ होता है, दैट इज़ चीपर, स्पेस कम लगती है, इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होता है। अगर इसको कंपेयर किया जाएगा अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी, जैसे हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें एनर्जी का कॉस्ट बहुत, मतलब इनिशियल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट बहुत कम होता है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो अब रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे हाइड्रो पावर, वो रिन्यूएबल एनर्जी है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है रिलेक्टेंट है फॉर इन्वेस्टिंग इन द हाइड्रो पावर, बिकॉज उसमें जो है इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है डैम वगैरह बनाने में। तो उसमें प्लांट्स कैन बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर, अब जहाँ पे हमें ज़रूरत है उसको वहीं पे लगाया जा सकता है। देन जैसे हाइड्रो पावर, उसको हम किसी स्पेसिफाइड लोकेशन में लगाते हैं, बिकॉज जहाँ पे हमारा वाटर अवेलेबिलिटी हो, डैम बना सकते हैं वहीं पे बनाएंगे, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी को भेजना दूर लोकेशन पे, तो यहाँ पे प्लांट को वहीं पे बना सकते हैं जहाँ पे लोड मिलेगा, हमें इंडस्ट्रीज मिलेगी। तो टर्बाइन कैन वर्क एट 25, अगर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो 25% से भी ज़्यादा हम जो है जो उसकी कैपेसिटी हो उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो उसके अलावा जो यहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होता है, ये दूसरी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जा सकता है, या फ्लू गैस वहाँ से जो निकलती है, दैट आल्सो कैन बी यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज। तो उसके बाद इसके डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसका जो मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो सेटअप कॉस्ट कम है, बट मेंटेन करना और इसको ऑपरेशन रखना, क्योंकि इसमें कोल वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके अलावा पोल्यूशन, जो इसमें पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो इस प्रॉब्लम है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वाटर रिक्वायरमेंट। उसके बाद इसमें ऐश जो प्रोड्यूस होता है, उसकी हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, वो प्रॉब्लम है। तो इसका जो इंस्टॉलेशन टाइम है वो भी ज़्यादा है, और इसकी एफिशिएंसी तकरीबन 75-75% के आसपास है। तो ये इसके थे। उसके अलावा अब इंडिया का जो पैटर्न है, मैंने भी बताया था, इन बाय 2019 इंडिया वायर हैविंग 269 थर्मल पावर प्लांट्स। अब इसमें सबसे पहला जो थर्मल पावर प्लांट बना था, दैट वाज इन हैदराबाद तेलंगाना, जो हुसैन सागर ने बना था 1920 में। उस टाइम जो निज़ाम चलाते थे हैदराबाद, अलग कंट्री थी, अलग स्टेट थी। अब टोटल जो इंस्टॉलेशन जो है
कोल से हमें इतना जो मेगावाट्स निकलते हैं, गैस से इतना हम जनरेट करते हैं, देन तो सबसे ज़्यादा कोल यूज़ करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। लिक्विड जो फ्यूल है उससे बहुत कम 509 मेगावाट्स जनरेट करते हैं। अब जितने भी हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स है, चाहे वो कोल से बनते हो, लिग्नाइट का गैस या डीजल से जनरेट होते हैं, वहाँ पे कितना उसमें कितनी मेगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, जैसे चाहे रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर हमारा है, जियो थर्मल है, विंड है, ओशन एनर्जी थर्मल कन्वर्शन है, तो उससे हमें तकरीबन 91,153 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं करंट राइट नाउ। हाइड्रो से हमें 45,000 निकलता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बाई थर्मल, 231,590 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाई द थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो इसका जो शेयर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में दैट इज 61.7%, और जो रिन्यूएबल एनर्जी का है दैट इज 25.29%, और हाइड्रो जो हम डैम्स वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं दैट इज अबाउट 12.2%, एंड जो न्यूक्लियर है दैट्स ओनली 1.81% जो करंट फिगर है इंडिया में। तो इसके अलावा ये थोड़ा सा लोकेशंस है कहाँ कहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड है। अब इसमें एक ही जो स्टेट है जैसे गुजरात है, उसमें पावर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि उसमें जो भी एनवायरमेंटल लॉज है थोड़ी सी रिलैक्सेशन स्टेट देती है, तो उसमें कंप्लाइंस विद द लॉज उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो वहाँ पे पावर जनरेशन भी ज़्यादा है, देन ओवरऑल ये एक इकोनॉमिक जो उसका एस्पेक्ट भी होता है, ये जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, पावर अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, लेबर ज़्यादा होगी, तो नॉर्मली वहाँ पे इकोनॉमिक जो कंडीशंस भी अच्छी होंगी।